thank you नमस्कार आज के विज्ञान लोक कार्यक्रम में हम जिस विषय को लेकर आपके बीच हैं वो है चांद और आज इस कार्यक्रम का कर शीर्षक हमने रखा है चांद के पार चल नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई में रायगांव साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम विज्ञान लोक में बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद धन्यवाद बातचीत की शुरुआत करें हम और जाने सबसे पहले कि आमतौर पर चांद के बारे में लोगों में जनमानस में बहुत सारे किस्से कहानियां प्रचलित हैं और कई बार ये असल विज्ञान से काफी परे हैं, लेकिन जानने के लिए बड़ी रुचिकर हैं और इसी से लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि दरअसल चांद के पार है क्या तो कुछ इस बारे में हमें सबसे पहले बताइए अच्छा जरूर जरूर सबसे पहले तो आपको नमस्कार और मेरे सामने बहुत सारे अदृश्य श्रोते हैं उन सभी को नमस्कार बड़ा अच्छा लगता है इस प्रकार के जो छोटी छोटी बातें हैं सामने रखने के लिए अब ये जो चांद जो है या बाकी जो ग्रह गोल है इनके बारे में जनमानस में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है इसमें से एक दो आप उन शुरुआत कहा से करें जैसे काफी सारे छोटे बच्चे रहते हैं और उनकी जिज्ञासा रहती है तो बिल्कुल उसी प्रकार प्रभु राम जब छोटे थे बाल प्रभु राम तो वो आंगन में खेल रहे थे पूर्णिमा का दिन था और वो दौड़ रहे थे दौड़ते दौड़ते उनके लगा चांद भी उनके साथ दौड़ रहा है तो बोले नहीं चांद मेरे साथ दौड़ रहा है लेकिन ये कैसे क्या मेरे को अगर हाथ जैसे बॉल है कोई गेंद है उसके साथ मैं खेल सकता हूं तो चांद तो गेंद के जैसा ही है तो क्यों ना मैं मेरे को हाथ में चाहिए तो उन्होंने कोशिश की तो हाथ में आ नहीं रहा था तो माता के पास आ गए कौशल्या माता के पास और रोने लगे बोले नहीं, नहीं नहीं मेरे को चाहिए चांद चाहिए तो क्या करे क्या करे क्या करे बाल हट्ट होता है तो कौशल्या माता को बड़ा विज्ञान सूझ लिया तो उन्होंने एक छोटा दर्पण ले लिया और दर्पण का जो हैंडल है वो बाल राम के हाथ में पकड़ा दिया बोले पकड़ो चांद देखो आपने चांद पकड़ लिया दर्पण के अंदर तो प्रोग्राम भी खुश हो गए और और वो चांद को लेकर गेंद के दौड़ने लगे ऐसी बहुत सारी बातें हैं इसमें एक छोटी और मजेदार बात आपको भी अच्छा लगेगा एक नया मतलब नया कहने से एक जो मजेदार कैरेक्टर है मुल्ला नसरुद्दीन उसकी एक मजेदार कहानी इस चांद के संदर्भ में अच्छा तो वो घूमते 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 एक बार मुला नसरुद्दीन साहब एक कुएं के पास आ गए और कुएं का पानी ऐसा एकदम स्वच्छ था और रात का समय था पूर्णिमा का चांद था तो उसने नीचे देखा तो वो पानी में चांद दिख रहा है बोले क्या हो गया जी अरे यार चांद कहीं ऐसा तो नहीं कुएं में गिर गया बोले इसको निकालना पड़ेगा नहीं तो प्रॉब्लम आएगा सब लोग क्या कहेंगे तो उन्होंने एक बड़ी रस्सी ला ली और फिर वो कुएं में डाल दिया और उसको हिलाते रहे हिलाते रहे तो रस्सी थोड़ी अटक गई उनको लगा चांद ने पकड़ लिया रस्सी को वो खींचने लगे बाहर बोले अब तुमको निकालता हूं तुमको निकालता हूं उनको निकालता और जोर जोर से बाहर खींचते है तो वो रस्सी एक्चुअली क्या है एक पत्थर को अटक गई थी और ये खींच रहे थे और जोर लगाया तो रस्सी टूट गई टूट गई तो ये उल्टे गिर गए उल्टे गिर गए और उनको लगा चलो यार मैं तो गिर गया पता नहीं चांद निकला कि नहीं निकला लेकिन ऊपर देखा तो ऊपर आकाश में चांद देखा हाँ, हाँ, बोले कितना अच्छा हो गया देखो मेरे को लग गया वानरा ने लेकिन मैंने चांद को तो निकाल दिया तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं और अपने इसमें जैसे ईद पे चांद का महत्व है अपने जो बाकी फेस्टिवल्स है इसमें चांद का महत्व है जैसे अभी राखी पूर्णिमा आ रही है तो बहुत सारी बहने बहने जो है चंद्रमा को अपना सखा मान लेती है उसको राखी बांध देती है और चंद्रमा वैसे वांग्मय में बहुत सारा महत्व चंद्रमा का है अनेक एक कवि या जहां पर प्यार का इजहार करना है तो वहां पर चांद का मुकड़ा वगैरह इस प्रकार से रोज के बोलिए भाषा में शब्द प्रयोग आते हैं और वैसे ही चांद सबको अच्छा लगता है उसका जो स्वरूप है शाम के समय अगर नदी किनारे आप बैठते हैं तो चांद का जो दृश्य है चांद का जो तेज है वो देखने के लिए बड़ा अच्छा लगता है जी अब हम आपसे आगे जानते हैं कि जो चंद्रमा है जब हम जमीन से देखते हैं पृथ्वी से देखते हैं तो इच्छा होती है उसके पास जाने की उसको देखने की और उसके बारे में और अधिक जानने की तो ये जो विज्ञान है तो इसमें चंद्रमा और बाकी के ग्रह पृथ्वी से कितनी दूरी पर हैं और कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से हम वहां पहुंच सकते हैं सही है सही है अभी देखो है, जैसे हम जो अपने को यहां हम भोपाल में रहते मान लीजिए हमें यहाँ मुंबई जाना है दिल्ली जाना है तो हम पूछ लेते हैं भाई कि ट्रेन है बस है वगैरह वगैरह कितना दूर है तो नॉर्मली ये सारे अंतर अपन किलोमीटर में नापते हैं अब होता है ये अगर हम चांद या फिर एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंसेस है जुपिटर है और बाकी सारे डिस्टेंसेस किलोमीटर में नापना शुरू कर दिया तो ये कैसे होता है जैसे अगर हम किसी को बोल देते हैं भाई ये सेंटीमीटर की पट्टी पकड़ लो और आप दिल्ली और बम्बे के दरमियान का फासला नाप लो अब ये तो हास्यास्पद होगा वो लड़का बोलेगा अरे क्या अंकल क्या आप बता रहे दिल्ली और बम्बे में कोई थोड़ी सेंटीमीटर में नापते है ये तो किलोमीटर में नापते मतलब सेंटीमीटर यह एकक दिल्ली और बम्बे का डिस्टेंस नापने के लिए कम पड़ता है जी बिल्कुल उसी प्रकार किलोमीटर यह एकक चंद्रमा और पृथ्वी के दरमियान की दूरी नापने के लिए कम पड़ता है हाँ। तो फिर क्या है तो इसमें आमतौर पर अगर हम तारों का विचार करते हैं तो ये सारे विद्यार्थियों के सिलेबस में भी है नया, एक नया मतलब एक टर्म है प्रकाश वर्ष जी इसका मतलब है कि एक वर्ष में प्रकाश किरण जितने किलोमीटर प्रवास करते हैं उतने किलोमीटर मतलब एक प्रकाश वर्ष होता है अब वैसे अपन क्या करेंगे प्रकाश महीना प्रकाश दिवस प्रकाश घंटा प्रकाश मिनट और प्रकाश सेकंड जी अब कैसा हो गया एक प्रकाश सेकंड मतलब एक सेकंड में प्रकाश कितने किलोमीटर प्रवास करता है उतने किलोमीटर मतलब एक प्रकाश सेकंड हो गया और चंद्रमा हमारे यहाँ से देखो लाखों किलोमीटर की दूरी पर है तो ये सारा लाखों किलोमीटर ध्यान में रखना मुश्किल है उसके बजाय अगर ऐसे ध्यान में रखते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी की जो दूरी है ये 1.3 प्रकाश सेकंड है जी 1.3 प्रकाश सेकंड है अब क्या हो गया हम जानते हैं कि प्रकाश का स्पीड कितना है तीन लाख किलोमीटर पर सेकंड मतलब एक सेकंड में प्रकाश किरण तीन लाख किलोमीटर जाते हैं तो 1.3 सेकंड में कितने जाएंगे तो एकदम आसानी से किलोमीटर में हम निकाल सकते हैं हाँ। बिल्कुल उस प्रकार सूरज है सूरज अपने यहां से आठ प्रकाश मिनट की दूरी पर है और बाकी के सारे ग्रह जैसे बृहस्पति है बृहस्पति हमारे यहां से फोर्टी प्रकाश मिनट की दूरी पर है अच्छा और मंगल मतलब पृथ्वी के बाद अगर आगे जाते हैं तो मंगल आएगा मंगल की दूरी आती है करीबन तेरह प्रकाश मिनट अब ये डिस्टेंसेज क्या कहेंगे कुबेर की संपत्ति है थोड़ा बहुत डाल दो तो, थोड़ा ज्यादा और दूसरा ये एवरेज बताया गया एग्जैक्टली निकालना तो मुश्किल होगा क्योंकि एग्जैक्ट वो सर्कुलर पाथ नहीं है इलिप्टल पाथ है एक एवरेज में इसको निकाला है तो शनि की अगर देखते हैं तो शनि को तो कम से कम सेवेंटी मिनट लगेंगे काफी दूर है काफी दूर है जी मतलब शनि और सूरज का दरम्यान का फासला अगर आप निकालते हैं तो शनि आता है सेवनटी एट प्रकाश मिनट जी मतलब सूरज के रोशनी को सूरज के यहां से निकलकर शनि तक पहुंचने के लिए सेवनटी एट मिनट का समय लगता है जी और वैसे ही और दूर थोड़ा दूर चलते हैं अब अबकोर्स अपन चांद के उस पर थोड़ा और देखने वाले हैं लेकिन फिर भी एक लास्ट जो हमारा प्लानट है प्लूटो अब प्लूटो को वैसे प्लान नहीं कहा जाता है लेकिन एक क्या समझने के लिए थोड़ा सा ये साढ़े पांच प्रकाश घंटे की दूरी पर है मतलब हमारी यह जो सूर्य मालिका है यह सूर्य मालिका पूरे ब्रह्मांड में साढ़े पांच प्रकाश घंटे के रेडियस में फैली है जी ऐसा तो चंद्रमा का अगर हम विचार तुर्त करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ से चंद्रमा की दूरी 1.3 प्रकाश सेकंड इतनी आती है करीब है करीब है सबसे करीब जो है चंद्रमा ये जी तो यदि हम जाना चाहें तो ये चांद के पहाड़ चलने के लिए किन किन बातों का विचार करना जरूरी है ऐसे तो नहीं पहुँच जाएंगे हम सही है सही है सही है अब इसमें एक तो इसकी आवश्यकता है चांद के पार यहाँ से जाना है हमें तो कोई भी चीज पृथ्वी से बाहर निकल जाती है आप जैसे गेंद है ऊपर फेंक दो तो गेंद वापस आएगा तो पृथ्वी उसको खींच लेती इसका मतलब तो पृथ्वी का अपना खुद का ग्रेविटी है वैसे सभी ग्रहों का अपना अपना ग्रेविटी होगा तो पृथ्वी की जो ग्रेविटी है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ठीक है अब इसको पार करते हुए कोई चीज को बाहर जाना है तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं और ये स्केसिटी ये इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकंड तो कोई ऐसी चीज हमें चाहिए अब जितने सारे यान जो रहते हैं ना जी, जी। इनका स्पीड ये रहता है इलेवन टू किलोमीटर पर सेकंड एक सेकंड में जी एक सेकंड में इलेवन टू किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेते हैं अब ये जो रफ्तार पकड़ लेते हैं इसके पहले और क्या क्या विचार करना चाहिए तो देखो सूरज बीस में रहता है फिर बाद में पहला जो ग्रह आता है वो है बुध दूसरा ग्रह आता है भीनस शुक्र जिसे हम कहते हैं तीसरी है हमारी पृथ्वी और बाद में मंगल फिर छोटे छोटे प्राणी सिंबल है फिर उसके बाद आता है जुपिटर फिर आता है सैटन अब इसमें होता यह है ये सभी के जो स्पीड है सूरज के चक्कर काटने के लिए पृथ्वी का जो स्पीड है अभी इस वक्त जैसे आप उनके है, मतलब सब जानते हैं कि पृथ्वी को सूरज की एक चक्कर काटने के लिए एक साल का समय लगता है हाँ। मतलब उसका अपना कुछ स्पीड है जी। कितना है ये स्पीड आता है 29.5 किलोमीटर पर सेकेंड एक सेकंड में पृथ्वी जो है ये 29.5 तो करीबन आप 30 मान लो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चलती है इमेजिन करना बहुत मुश्किल है सारी पृथ्वी वैसे ही मंगल भी चलता है लेकिन मंगल का जो स्पीड है वो कम है पृथ्वी की तुलना में तो होता क्या है कि दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे सूरज के चक्कर काटते समय एक आगे जाएगा एक पीछे रह जाएगा तो एक परिस्थिति ऐसी होती है, है कि पृथ्वी और मंगल ये सूरज के दोनों तरफ रहेंगे अच्छा एक तरफ मंगल आएगा एक तरफ हाँ। पृथ्वी आएगी हाँ। अब ये जो स्थिति रहेगी ये स्थिति अगर आपने निश्चित कर दी मंगल पर जाने के लिए तो ये तो मुश्किल हो जाएगा जी तो हमें ऐसी स्थिति ढूंढनी पड़ेगी वैज्ञानिक ऐसी स्थिति ढूंढते हैं कि जिस समय मंगल और पृथ्वी सूरज के एक ही तरफ होंगे उसमें क्या होगा पृथ्वी और मंगल का जो फासला है ये कम रहेगा ये अगर सूरज के उस पार मंगल रहेगा और इस पार हम रहेंगे तो तो फासला बहुत ज्यादा होगा जी। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि मंगल और ये जो पृथ्वी है ये दोनों सूरज की एक तरफ कब आएंगे इसका पूरा विचार करते हुए वो स्थिति सिलेट की जाती है वैसे अभी जो हमारा मंगलयान गया था जी। आ, अगर थोड़ा सा उन तो चलने, चलने वाले है तो इसमें यही बात सोची थी उन्होंने कि एक ही दिशा में आना चाहिए और फिर हमारे वैज्ञानिकों ने जो तैयारी की मंगल पर जाने के लिए तो उसमें ऐसा हुआ कि सबसे कम खर्चे में हम वहां पहुंचे और ये बड़ी हमारा बात है। बड़ी बड़ी उपलब्धि और हमारा जो यान है उस समय 2014 में हमने यहां पर जो छोड़ा वो मंगल के वहां पर मंगल के जो ऑर्बिट है नहीं। नहीं। कक्षा में मंगल के चार जैसे चंद्रमा हमारे हमारे चारों ओर से घूमता है अपने कक्षा में वैसे उस कक्षा में उसको स्थिर कर दिया था अब हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ग्रह आपने बताया चंद्रमा के आसपास जिस रास्ते हम जाएंगे तो इनकी क्या क्या खास बातें हैं सही है सही है सही है अब इतना सब करके जैसे हम चंद्रमा के ऊपर पहुंच गए तो सबसे पहले तो बात यह आएगी कि एक दूसरे से हम बात कैसे करेंगे जी यहां तो हम मैं बाप बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं या इतने दूर सारे बच्चे सुन रहे चंद्रमा के ऊपर ये स्थिति नहीं रहेगी पास में भी कोई खड़ा है एक फुट के ऊपर भी जी तो भी आप उन उसको बुलाने संगे थोड़ा इधर आ जाओ या थोड़ा उधर चले जाओ क्यों ऐसा ये इसीलिए कि वहां पर हवा है ही नहीं जी तो हवा मतलब ध्वनि के लिए मीडियम चाहिए प्रकाश के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं जैसे सूरज और पृथ्वी के बीच में कोई मीडियम नहीं है हाँ। लेकिन फिर भी प्रकाश आता है लेकिन जो आवाज है ध्वनि जो है ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है मध्यम की आवश्यकता होती है और चंद्रमा के ऊपर हवा नहीं है एक ये बात हो गई मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण मजेदार और दूसरी मजेदार बात क्या है हमारा शरीर हम पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी की जो ग्रेविटी है इसके साथ एडजस्ट हुआ है जी हम आराम से चल सकते हैं अब छलांग समझो ऊपर अपन कूद गए या नीचे कूद गए या ऊपर कूद गए तो हमारे दो फुट ढाई फुट तक ऊपर हम क्या कहेंगे आप उन्च, जो ऊंचाई जो है उसको लगा सकते चंद्रमा के ऊपर ये परिस्थिति नहीं रहेगी चंद्रमा के ऊपर समझे यहाँ कोई एथलेट है हाँ हाँ। और यहाँ एथलेट जो है वो अपना छलांग लगा सकता है कितने ऊंचे पर लगा सकता है कि उसको छ फुट जा सकती है चंद्रमा के ऊपर से हो तो पहुंच जाएगी और उसके जी। कम, कम से कम पचास फीट से ऊपर चले जाएंगे क्योंकि ग्रेविटी जो है ये ग्रेविटी बहुत कम है जी। तो कैसे कहेंगे हम इसको जैसे कोई एक व्यक्ति है उसका वजन पृथ्वी पर साठ के जी है तो चंद्रमा के ऊपर उसका छह के ही होगा क्योंकि खींचने का जो है अपने सेंटर के तरफ हाँ। वो भाग बहुत कम है पृथ्वी का वन टेंथ है जी ऐसे ही बाकी ग्रहों का है बाकी ग्रहों पर अगर हम देखते हैं जैसे जुपिटर जुपिटर में सबसे ज्यादा है ग्रेविटी मतलब पृथ्वी के तुलना में टू प्वाइंट फाइव जी तो यहाँ अगर किसी का वजन सिक्सटी किलो है इंटू टू प्वाइंट फाइव जुपिटर पे होगा बिल्कुल सिक्सटी तो प्लस सिक्सटी हाँ। और थर्टी, थर्टी। मतलब करीबन हाँ। डेढ़ सौ किलो होगा तो डेढ़ सौ किलो उसका हो जाएगा तो इसमें एक बड़ा मजेदार साइंस फिक्शन एक बार आया था कि भाई ये जो परिस्थिति है तो इसमें ऐसा करे जिनको सोने का व्यवहार करना है और खूब सारा फायदा निकालना है जी। तो भाई वो क्या करे चांद के ऊपर सोना खरीदे अच्छा और बेचे जुपिटर के ऊपर वजन बढ़ जाएगा तो कितना वजन बढ़ जाएगा जम के मास तो उतना ही रहेगा लेकिन वजन वहां बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो बहुत फायदा होगा और रहने के लिए फिर बाद में पृथ्वी पर आए तो ये ग्रेविटी जो है बड़ी मजेदार ढंग से सभी और अगर आप वजन का देखते हैं जुपिटर का जो वजन है ये जुपिटर का वजन बाकी सारे प्लानिट एकत्र करने के बाद भी ज्यादा होता है ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उसका क्या कहेंगे आप वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है कितना वॉल्यूम है उसका अगर सिंपल भाषा में समझना है तो जी तो उसके डायमीटर के ऊपर करीबन ग्यारह पृथ्वी आप बिठा सकते हैं अच्छा जैसे अपन गिल्ली डंडा खेलते हैं ना जी वैसे पृथ्वी का जो डायमीटर है उसके अंदर का डंडा निकालो हाँ 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 गिल्ली डंडा खेलते वैसे हाँ हाँ और एक 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 ऐसे डालते जाओ हाँ हाँ तो ग्यारह पृथ्वी जुपिटर के ऊपर बैठेगी मतलब अंदर डायमीटर के ऊपर बैठेगी इतना बड़ा जुपिटर है हाँ 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 बात ये जरूर है जैसे पृथ्वी पर आप आसानी से चल सकते हैं क्योंकि ये सर्फेस हार्ड सर्फेस है जुपिटर के ऊपर हार्ड सर्फेस मिलना मुश्किल है पूरा गैसेस मास है अच्छा अंदर एकदम कोर में कहीं सॉलिड होगा थोड़ा लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो गैसेस मास है अच्छा पूरा और दूसरी मजेदार बात इसमें आपको आश्चर्य लगेगा पृथ्वी का दिन चौबीस घंटे का है तो पृथ्वी का डायमीटर कितना है बारह मतलब करीबन तेरह किलोमीटर किलोमीटर और मैंने आपको ये बताया तेरह हजार गुने ले ग्यारह तो आप थोड़ा समय दस मान लो तो, तो तेरह लाख हो गया करीबन तेरह लाख किलोमीटर का डायमीटर वाला इतना बड़ा जुपिटर उसका भी ट्वेंटी वर घंटा है थोड़ा ज्यादा है तो कैसे घूमता होगा कितना भयानक स्पीड होगा और कैसे वहां पर कोई पार्टिकल रहेगा हाँ। तो ये बड़ा मजेदार है वैसे ही शनि का रहता है वैसे ही बाकी जैसे मंगल का अगर हम विचार करते तो मंगल के केस में और हमारे केस में थोड़ा फर्क है जो दिन का मान रहता है लेकिन अगर आप विनस का विचार करते ना विनस में बड़े मजेदार किस्सा है विनस का जो दिन रहता है वह उसके साल से बड़ा है अच्छा मतलब कैसे पृथ्वी का दिन कितना है चौबीस घंटे का है जी और साल कितने दिन का है तीन सौ पास दिन का है लेकिन वहां वीनस का जो होता है ना वीनस के केस में ये टू फोर्टी थ्री डेज आता है एक दिन एक दिन। पृथ्वी का चौबीस दिन और उसका टू फोर्टी थ्री डेज लगते और उसके चक्कर काटने के लिए कम दिन लगते हैं। तो उसका मतलब क्या हो गया साल से दिन ज्यादा दिन ज्यादा हो गया ऐसे बा, बाकी अगर हम विचार करते हैं क्या कहेंगे जुपिटर है सैटर्न है तो सबके ये अलग अलग गति भी रहेगी जो सूरज के चक्कर काटते तब उसी समय भी और फिर और एक क्या मजेदार बात कहेंगे जैसे पृथ्वी को एक साल लगता है सूरज चक्कर काटने के लिए जुपिटर को 12 साल लगते शनि को 30 ईयर्स लगते जी तो ऐसे सभी प्लानिट का फिर गति भी भिन्न है मंगल का गति अलग है शनि का गति अलग है और आगे 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 जाओगे तो लास्ट जो प्लैनेट है जिसको अपन प्लूटो मतलब वैसे आजकल वो प्लानट नहीं रहा उसको डिग्री निकाल दिया लेकिन फिर भी विचार करते हैं तो वो करीबन दो साल का समय लगता है तो सभी प्लानिट का सूरज के चक्कर काटने का समय जो है वो अलग अलग भिन्न भिन्न है जी। और फिर अब क्या बात बची वातावरण जैसे पृथ्वी का वातावरण है यहाँ ऑक्सीजन है यहाँ पानी है यहाँ इतना सारा मतलब एक जीवन के लिए सारी सुविधाएं है बिल्कुल इतनी सारी सुविधाएं बाकी प्लानिट पे कहीं नहीं है और इसको तो खोजना है वही मंगल की क्या परिस्थिति रहेगी चंद्रमा की क्या परिस्थिति रहेगी जुपिटर की क्या परिस्थिति रहेगी अपना जो कैशनी नाम का यान था वो वहां पर शनि के शनि के फोटोग्राफ्स उसने भेजे है शनि की वलय रहते है तो ये सारी जो बातें है ना ये समझने के लिए ये सारा अभियान चलता है तो जिज्ञासा हमारी भी यही है कि जो अभी चंद्रयान एक और चंद्रयान दो और मंगलयान भेजे गए हमारे देश से तो इससे हमें चांद और मंगल ग्रहों के बारे में क्या क्या जानकारियां मिल सकती हैं मतलब जैसे पृथ्वी है एकदम शुरुआत में अगर आप देखोगे तो इतिहास में अगर हम जाओगे पीछे, पीछे 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 चले जाते हैं तो एक दूसरे के साथ ऐसा कम्युनिकेशन नहीं था धीरे 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 कम्युनिकेशन हो गया अब हम ये कह सकते कि पृथ्वी के पुरुष के ऊपर सारा हम जानते ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि इतना बड़ा सरफेस है इतना बड़ा एरिया है पृथ्वी के अंदर भी है वातावरण में भी है कितनी सारी बातें हैं और कितने सारे अलग अलग जीव है जंतु है ये सारी लेकिन काफी कुछ हम समझ गए विज्ञान के कारण तो नेचुरली अब हमारा थोड़ा सा ध्यान बाहर चंद्रमा के तरफ या बाकी जो प्लान उसकी तरफ जाने लगा है काफी सालों से तो ये जो जिज्ञासा है कि वे क्या है चंद्रमा के ऊपर क्या वहाँ पानी है क्या क्या वहां की जमीन रहने लायक है क्या वहां ग्रेविटी किस प्रकार से है वहां खेती बना सकते हैं क्या बिल्कुल उसी प्रकार यही प्रश्न आगा मंगल के ऊपर कि भाई वहां कैसे क्या परिस्थिति है हेलियम है क्या पानी है क्या वहां एक चित्र इस प्रकार से दिखता है कि वहां बड़ा कैनल का कुछ चित्र दिखाई देता है तो कहीं तो तो एक समय पानी था क्या हाथ था तो कहाँ चला गया और वातावरण किस प्रकार से और महत्वपूर्ण बात टेम्परेचर पृथ्वी के ऊपर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर में हम जी सकते हैं लेकिन चांद के ऊपर का टेम्परेचर कैसे होगा मंगल के ऊपर का टेम्परेचर कैसे होगा और वीनस के ऊपर का टेम्पर कैसे होगा वीनस की परिस्थिति ऐसी कि वहाँ एकदम डेंस है क्या वातावरण डेंस है वहां घुसना मुश्किल है मंगल के ऊपर भी जो वातावरण है बहुत विरल वातावरण है और बाकी जो जुपिटर का मैंने बता दिया वो कैसे मास है शनि का भी कैसे मास है तो ये सारे इसमें कैसे कैसे परिस्थिति रहेगी हिलेम रहेगा क्या वातावरण किस कितने चांद है सबके जैसे हमारा एक अपना चांद है पृथ्वी का सखा बोलते हैं अपन एक ही चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है वैसे मंगल की क्या परिस्थिति है मंगल में दो चांद है अच्छा जुपिटर की क्या परिस्थिति है जुपिटर की परिस्थिति ये है कि वो हर समय कुछ न कुछ ऐड होता ही रहता है अभी जो करीबन मतलब जहां तक मेरा म, म, मेरे मेरी जानकारी है फोर्टी नाइन चंद्रमा है जी जुपिटर के और हाँ वो बढ़ते ही है अच्छा। लेकिन टेलीस्कोप से आप जब देखोगे ना बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे जुपिटर का उसमें सारे नहीं दिखते लेकिन चार दिखाई देते है अच्छा जो अपना टेलीस्कोप है क्योंकि टेलीस्कोप को एक डिग्री का दिखता है और उसमें जुपिटर के चार चंद्रमा आपको दिखाएंगे केवल आंखों से नहीं दिखते जी। लेकिन आप देखोगे तो चार दिखते हैं। और दूसरी मजेदार बात यह कि उसी दृश्य को जैसे आप चार चंद्रमा दिख रहे हैं तो पन्द्रह बीस मिनट बाद देखो फिर एक घंटे बाद देखो आपको वो जुपिटर के जो चंद्रमा है ना उनकी पोजिशन बदलती दिखाई देगी जी वो कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा तो बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है एक मेरे को बड़ा आपको मैं शेयर करूं मैंने नेहरू विज्ञान केंद्र में सर्विस किया यहाँ आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल में किया और इस दौरान जो हमारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहता है ये आकाश दर्शन जी टेलीस्कोप रहता है तो मेरे जीवन का सबसे जो आनंददायक प्रसंग था वो ये था शनि को शनि जो है ना ग्रह जी वो चंद्रमा के पास मतलब पास का मतलब कैसे चंद्रमा पहले आपको दिखाई देगा और शनि पीछे है कि नहीं तो जैसे ग्रहण लगता है ना वैसे श, चंद्रमा जा रहा था और शनि पीछे जा रहा था उसके ये टेलीस्कोप में मैं देख रहा था इतना अच्छा लगा जैसे अपन चपाती खाते तो चपा दिया भाकर खाते हैं तो भाकर जो गोल रहती उसको हाथ से टुकड़ा नहीं पकड़ने का दांत से तोड़ना है तो वो कैसा टुकड़ा टुकड़ा निकलेगा वैसे दिखता है वो धीरे 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 अंदर चला जाता तो बड़ा मजा आता है तो आकाश दर्शन वैसे केवल आंखों से भी और अगर टेलीस्कोप से आप करते हैं तो और मजा आता है बहुत सारी बातें इसमें से समझ में आती है और ये जो अभियान चलते है हमारे इसमें से तो क्या कहे अगर किसी कितना भाग्यवान वो रहेगा कि अभी अब कोशिश कर रहे अपनी अगली कोशिश यही रहेगी कि जैसे ये दो चंद्रयान अपने हो गए पहला चंद्रयान 2000 मतलब पहला गया और फिर बाद में अभी रिसेंटली अपने एक छोड़ दिया वो अभी कुछ दिनों में चांद के ऊपर पहुंचेगा तो इसमें एक छोटी सी वो रिमोट कंट्रोल वाली कार रहेगी छोटी जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे तो वो फिर वो चंद्रमा के पृष्ठ के ऊपर गए यहां से उसको कंट्रोल करेंगे और वो अलग अलग सैंपल कलेक्ट करेगी अच्छा और वो सैंपल जब हमें मिलेंगे तो उसमें से हमें पता चलेगा कि भाई उसके अंदर मतलब वो कैसे कहेंगे कि उसका कब निर्माण हो गया था या पृथ्वी का निर्माण जब हुआ तभी चंद्रमा का हुआ कब हुआ कैसे हुआ ये सारी जो बातें हैं वो हमें समझ में आयेगी अच्छा अच्छा बहुत अच्छी जानकारी आज आपके साथ हमने बांटी रायगांवकर साहब की चांद क्या है दरअसल और जो ग्रहों की दूरियां हैं वो कितनी हैं किस तरह से यहाँ का वातावरण है और यदि जाना चाहें हम तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा हमारे जो चंद्रयान और मंगलयान गए हैं इन्होंने क्या जानकारियां लाई हैं और अभी आगे क्या जानकारियां इनसे मिल सकेंगी इन सारी बातों का और हमारे इस कार्यक्रम विज्ञान लोक में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद 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 और आप सभी का नमस्कार बच्चों का नमस्कार आपका नमस्कार